आज हम जब इंटरनेशनल मीडिया देखते हैं, इंटरनेशनल मीडिया पे पढ़ते हैं, हम ये देखते हैं कि आज का इंटरनेशनल मीडिया, चाहे वो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हो, इंटरनेशनल मैगजीन्स हो, इंटरनेशनल रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टेशंस हो या इंटरनेशनल टेलीविजन सैटेलाइट चैनल्स हो, इस पे हम देखते हैं कि कहा जा रहा है कि इस्लाम इंसानियत के लिए जहमत है। ये इंटरनेशनल मीडिया ये कह रही है कि इस्लाम इंसानियत के लिए मसला है। ये इंटरनेशनल मीडिया इस पैगाम को फैला रही है कि इस्लाम इंसानियत के लिए जहमत है, इस्लाम इंसानियत के लिए मसला है। और हम देखते हैं कि बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है ये मीडिया में, और इस्लाम के बारे में गलत फहमियां फैलाई जा रही है। एक आर्टिकल जो टाइम मैगजीन में छपा था 16 अप्रैल को सन 1979 में, 16 अप्रैल 1979 इन टाइम मैगजीन, और इसमें लिखा था कि 150 साल में सन 1800 से सन 1950 के दरमियान, इन 150 साल में 60,000 से ज्यादा किताबें इस्लाम के खिलाफ लिखी गई है, 60,000 से ज्यादा इस्लाम के खिलाफ किताबें लिखी गई है। इसका मतलब हर रोज एक से ज्यादा किताब लिखी गई है इन 150 साल में, और उसके बाद ये तादाद बढ़ती जा रही है, और खुसूसन 11 सितंबर 2001 के बाद ये तादाद कई गुना बढ़ गई है। हर रोज कई किताबें लिखी जा रही है इस्लाम के खिलाफ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, और मीडिया कई स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करती है इस्लाम को बदनाम करने के लिए। अक्सर ये मीडिया दे पिक अप द ब्लैक शीप ऑफ द कम्युनिटी, जो लोग नाम के मुसलमान हैं, अपनी जिंदगी में इस्लाम पर अमल नहीं करते, इन लोगों को मीडिया हाईलाइट करती है और बताती है कि ये आम मुसलमान है। अक्सर मुसलमान इस तरीके के होते हैं, दे पिक अप द ब्लैक शीप ऑफ द कम्युनिटी एंड पोर्ट्रे देम लाइक एग्जेम्पलरी मुस्लिम। और हर मजहब में कई लोग हैं, और इस्लाम में भी कुछ लोग हैं जो अपने मजहब पर अमल नहीं करते। मीडिया इन लोगों को टारगेट करती है, और मीडिया में हाईलाइट किया जाता है कि अक्सर मुसलमान ऐसे होते हैं। अगर एक नई गाड़ी मार्केट में लॉन्च होती है, मिसाल के तौर पे मर्सिडीज 500 SEL, एक नई मॉडल मर्सिडीज की लॉन्च होती है, और आप जानना चाहते हैं कि ये गाड़ी कितनी अच्छी है, और इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील के पीछे एक ऐसे शख्स को बिठाते हैं जो गाड़ी चलाना जानता ही नहीं, ड्राइविंग जानता ही नहीं, वो शख्स गाड़ी को चलाते समय गाड़ी का एक्सीडेंट कर देता है, गाड़ी को ठोक देता है। मैं ये जानना चाहता हूं, आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे, किसको कसूरवार ठहराएंगे, मर्सिडीज गाड़ी को या ड्राइवर को? बट नेचुरल आप ड्राइवर को कसूरवार ठहराएंगे, जिम्मेदार ठहराएंगे। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि गाड़ी कितनी अच्छी है, आपको उसके स्पेसिफिकेशन, उस गाड़ी के बारे में तहकीक करना चाहिए, उसका पिकअप क्या है, उस गाड़ी का एवरेज क्या है, उसके गियर्स कितने हैं, उसकी स्पीड कितनी है, उसके सेफ्टी मेजर्स क्या है। इसी तरीके से अगर आपको इस्लाम के बारे में जानना है, तो आप मुसलमानों को मत देखिए, आप इस्लाम के किताबों की तहकीक कीजिए, और इस्लाम की बुनियादी किताब है कुरान मजीद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस। अगर आप इस्लाम को जानना चाहते हैं, तो कुरान मजीद को पढ़िए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस को पढ़िए, फिर आपको पता लगेगा इस्लाम कैसा मजहब है।
अगर आप गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं तो ऐसे एक्सपीरियंस एक्सपर्ट ड्राइवर को गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील के पीछे बिठाइए जो ड्राइविंग जानता है। अगर आपको एक अच्छे मुसलमान को देखना है तो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल, सबसे बेहतरीन मिसाल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एक तरीका है मीडिया को इस्लाम को बदनाम करने का। दूसरा तरीका जो मीडिया इस्तेमाल करती है वो है कुरान मजीद के कई आयतों का हवाला देती है और उसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करती है, पस मंजर के खिलाफ कोट करती है। कुरान मजीद की आयत का हवाला देती है और कोट करती है लेकिन ये पस मंजर के खिलाफ है। और सबसे आम आयत जो मीडिया कोट करती है इस्लाम को बदनाम करने के लिए वो है कि कुरान मजीद में लिखा है जहां भी आप काफिर को पाओ उनका कत्ल करो। और अक्सर इस्लाम के खिलाफ किताबें लिखने वाले इस्लाम के क्रिटिक इस आयत को कोट करते हैं। और इस देश में जो हिंदुस्तान में इस्लाम के खिलाफ जो लिखने वाला एक शख्स है उसका नाम अरुण छुरी, आपने उसके बारे में सुना होगा। वो भी अपनी किताब में लिखता है वर्ल्ड ऑफ फतवाज में, वो हवाला देते हैं कुरान मजीद का सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 कुरान मजीद में लिखा है। वो शख्स कहता है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जहां भी आप काफिरों को पाओगे ब्रैकेट नॉन मुस्लिम इनटू ब्रैकेट हिंदू आप उनका कत्ल करो। और जब हम कुरान मजीद खोलते हैं और सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 को पढ़ते हैं इसमें बेशक लिखा है कि जहां भी आप मुश्रिकों को पाओ उनका कत्ल करो, लेकिन ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पस मंजर के खिलाफ है। पस मंजर जानने के लिए, कॉन्टेक्स्ट जानने के लिए हमें पढ़ना चाहिए सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 1 से। आयत नंबर 1, 2, 3, 4, 5 में अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं कि एक सुलह थी, अमन था, समझौता था मुसलमान और मुशरिकीन मक्का के दरमियान। और ये सुलह एक तरफा मुशरिकीन मक्का ने तोड़ दिया। अल्लाह सुब्हान व तआला आयत नंबर 5 सूरह तौबा सूरह नंबर 9 में फरमाते हैं मुशरिकीन मक्का से कि अगर आप 4 महीनों में अपने आप को नहीं सुधारेंगे तो ऐलान जंग, क्योंकि इन मुश्रिकीनों ने सुलह को तोड़ दिया था। और इसके बाद जब जंग होती है अल्लाह सुबहाना व ताला सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 में जंग के मैदान में फरमाते हैं कि जहां भी आप मुश्रिक को पाओ उनका कत्ल करो। ये जंग के मैदान में अल्लाह ताला मुसलमानों से कह रहे हैं। ये आम बात है कि कोई भी सिपा सलार अपने सिपाही की हिम्मत अफजाई के लिए ये नहीं कहेगा कि आप डर जाओ, आप भाग जाओ, जब भी आप दुश्मन को देखेंगे तो डर के भाग जाओ। कोई भी सिपा सलार अपने सिपाहियों को हिम्मत अफजाई के लिए यही कहेगा कि जब भी आप दुश्मन को जंग के मैदान में देखेंगे डरिए मत, उनसे लड़ो, उनका कत्ल करो। इसी पस मंजर में अल्लाह सुबहाना व ताला मुसलमानों से कहते हैं जब भी दुश्मन, जब भी काफिर मैदान जंग में आते हैं आपसे लड़ने के लिए तो आप डरिए मत, आप इनका कत्ल करो, आप डरिए मत, आप इनका कत्ल कीजिए। तो ये जंग के मैदान में है, अल्लाह सुबहाना व ताला मुसलमानों से कहते हैं जब दुश्मन आपका सामना करते हैं मैदान जंग में तो उनका कत्ल कीजिए। मिसाल के तौर पे अगर यूएसए और वियतनाम लड़ रहे हैं और यूएस के आर्मी जनरल या प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कहते हैं अपने सिपाहियों से जंग के मैदान में कि जहां भी आप वियतनामीज को पाओ उनका कत्ल करो, अगर मैं ये आज की तारीख में कहूंगा
के यूएस प्रेसिडेंट आज कहते हैं कि जा भी आप वियतनामीज को पाओ, उनका कत्ल करो, मैं उन्हें कसाई साबित करूंगा। ये कॉन्टेक्स्ट में है, जंग के मैदान में। और हम देखते हैं, मैं पूछता हूं अरुण शूरी से कि एक भी मुसलमान ने अरुण शूरी को कत्ल करने की कोशिश की? कभी पढ़ा आपने? अगर ये सच होता था तो क्या अरुण शूरी जिंदा बचता था हिंदुस्तान में? इसी से साबित होता है, कुरान मजीद में कहीं नहीं लिखा है, अल्लाह ताला कभी भी नहीं कहते कि जा भी आप काफिर को पाओ, उनका कत्ल करो। ये जंग के मैदान में है, जब आपसे लड़ने आ रहे हैं तो आप डरिए मत, उनका कत्ल कीजिए। और अरुण शूरी अपनी किताब में सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 से जम करता है आयत नंबर 7 पर। कोई भी आम आदमी ये समझ जाएगा कि आयत नंबर 6 में उसके बीमारी का हल है, अरुण शूरी की बीमारी का हल है। आयत नंबर 6 में अल्लाह सुबहाना व तआला फरमाते हैं कि अगर दुश्मन, अगर मुशरिक आपसे सुलह चाहते हैं, अमन चाहते हैं, तो सिर्फ उन्हें छोड़ मत दीजिए, लेकिन उनको हिफाजत के साथ एक महफूज जगह ले जाकर छोड़िए। आज के तारीख में सबसे रहम दिल सिपा सालार ये कहेगा अपने सिपाहियों से, अगर दुश्मन अमन चाहता है तो उसे छोड़ दो। लेकिन यहां अल्लाह ताला फरमाते सिर्फ छोड़िए मत, उनको हिफाजत के साथ एक महफूज जगह पे ले जाकर छोड़िए। और जितने भी आयत आप देखेंगे कुरान मजीद में जहां लिखा है कि जंग के मैदान में काफिरों का कत्ल करो, उसके फौरन बाद लिखा है कि अमन और बेहतर है, सुलह और बेहतर है, पीस इज बेटर। ये एक दूसरा तरीका है जो मीडिया इस्तेमाल करती है इस्लाम को बदनाम करने के लिए।